राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में हमारे जिला न्यायालय जबलपुर में माननीय जिला न्यायाधीश महोदय एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में नेशनल विद्युत लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें विद्युत के मामलों के निराकरण के संबंध में दो खंडपीठें बनाई गई, एक राजीव के पाल न्यायाधीश महोदय की, एक दूसरी मैडम श्रीमती आशा गोधा की। इसके अलावा लोकोपयोगी अदालत के मामले भी आज सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार गोधा साहब थे, जिनमें दूरसंचार विभाग के मामले तथा अन्य लोक उपयोगी सेवाओं के मामले रखे गए थे। इसके साथ ही सिहोरा में भी प्री लिटिगेशन के मामले रखे गए थे। हमारे यहाँ राजीव के पाल साहब की कोर्ट में प्री लिटिगेशन के विद्युत के मामले 2067 रखे गए थे, जिनमें से जो मामले निराकृत हुए हैं 2067 मामले निराकृत किए गए हैं, जिनमें 2,11,27,321 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। और न्यायालय में लंबित मामले विद्युत के 1403 मामले रखे गए थे, जिनमें से 110 मामले निराकृत किए गए हैं। लंबित मामलों में 16,61,453 रुपए की राशि का जुर्माना विद्युत विभाग को जमा हुआ है। इसी प्रकार मैडम श्रीमती आशा गोधा के न्यायालय में प्री लिटिगेशन के 700 मामले रखे गए थे, जिसमें 695 मामले निराकृत किए गए हैं। इस मामलों में 79,08,000 रुपए की राशि का भुगतान हुआ है। और उनकी न्यायालय में लंबित विद्युत के मामले 600 सुनवाई के लिए इस लोक अदालत में रखे गए थे, जिसमें से 85 मामलों का निराकरण किया गया है। और इसमें 10,04,67 रुपए की राशि विद्युत विभाग को जमा की कराई गई है पक्षकारों के द्वारा। और इस प्रकार से कुल प्री लिटिगेशन के 11,097 मामले रखे गए थे, जिनमें से 2,855 मामले निराकृत किए गए हैं, जिनमें 2,92,50,098 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। और विभिन्न न्यायालयों में कुल 2,353 मामले रखे गए थे, जिनमें 195 मामले आज की लोक अदालत में निराकृत किए गए हैं, जिनमें से 26,61,920 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही हमारे यहाँ श्री अरविंद रघुवंशी एडीजे साहब की कोर्ट में अन्य मामले सिविल और क्रिमिनल के मामले की पीठ बनाई गई थी, जिनमें 8 क्रिमिनल अपीलों का निराकरण किया गया है। इस प्रकार से आज हमारे जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें अधिवक्तागण की भागीदारी रही तथा पक्षकारों ने और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और न्यायाधीशों ने मिलकर लोक अदालत को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इसमें काफी पक्षकारों को लाभान्वित हुए हैं और हितग्राहियों के मामले ये जो नेशनल लोक अदालत में निराकृत किए गए हैं वे पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। नेशनल लोक अदालत में जो मामले निराकृत किए गए हैं वे जड़ से मामले समाप्त हुए हैं, इनमें किसी का कोई अपील का प्रावधान नहीं है। इसलिए हमारे जो लंबित मुकदमे हैं उनकी सुनवाई की संख्या में कमी आएगी और ये नेशनल लोक अदालत काफी हद तक लोगों के लिए लाभप्रद और सफल रही है। धन्यवाद।